इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिसके तहत सीबीआई ने उनसे लगातार 8 घंटे तक पूछताछ की थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई। आपको बता दें कि अब जो खबर आ रही है सामने निकलकर, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है। ये जो पूरा मामला है वो शराब घोटाले को लेकर है। आबकारी विभाग में जो नीति बनाई गई थी, उस नीति में कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं शराब के, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ये नीति बनाई गई थी, जिसमें संलिप्तता मनीष सिसोदिया को आ रही है, क्योंकि वो उन पर ही आबकारी विभाग था। तो ऐसे में सीबीआई ने जब पूरे मामले की जाँच की तो कई जो कमियां थी निकल कर आई, कई अनियमितता बरती गई थी वो सामने निकल कर आई, और राज्यपाल के बिना जो नीति थी उसे मंजूरी दे दी गई। तमाम ऐसे मुद्दे सीबीआई के पास थे जिसकी वजह से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, और उसके बाद उन पर साक्ष्य को मिटाने का आरोप था, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अभी वो सीबीआई के रिमांड पर है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी जो खबर आ रही है उसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे अरविंद केजरीवाल ने मंजूर भी कर लिया है।